नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने कम्युनिटी ग्रुप में एक वोटिंग कराई है ये जानने के लिए कि लोगों को क्या ज़्यादा अच्छा लगता है और उसको ही हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे। ओके, तो ज़्यादातर लोगों ने वोट दिया है गार्लिक ब्रेड को, तो आज हम बनाने वाले हैं लोगों की डिमांड पर गार्लिक ब्रेड। अब हम गार्लिक ब्रेड की बात करते हैं तो हम इसमें थोड़ा सा और अपनी तरफ से एड ऑन करेंगे। आज हम बनाएंगे चीज़ी गार्लिक ब्रेड। ओके, चीज़ी गार्लिक ब्रेड एक ऐसी डिश है जो सबको बहुत पसंद आती है और बच्चों की तो ये फेवरेट है, राइट। और इसकी खास बात यह है कि ये 10 मिनट में बन जाएगी, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। मैंने आपको कुछ इसमें टिप्स बताई है जिससे कि इसमें सेम वही फ्लेवर आएगा जो आप मार्केट से लेकर आते हैं। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गार्लिक चीज़ी ब्रेड बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है वो है ब्रेड। ओके, तो मैंने ये एक खास तरीके की ब्रेड ली है। ये देखिए, ये बहुत ही लाइट होती है, देखने में ये बहुत मोटी और बहुत भारी लग रही है, बट ये बहुत ही लाइट ब्रेड है। ये फ्रेंच ब्रेड के नाम से भी आती है और इसको हम बगेट ब्रेड भी कहते हैं। ओके, तो ये आप मार्केट से ले सकते हैं। अगर ये आपको नहीं मिलती है तो आप जो नॉर्मल ब्रेड घर पर खाते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड लेने के बाद हमने ये 150 ग्राम बटर लिया है, इसको हमने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। 100 ग्राम चीज़ लिया है, ये प्रोसेस्ड चीज़ है। ये मैंने कुछ धनिया के पत्ते हैं जो चॉप कर लिए हैं, इसको हमें पतला पतला बारीक चॉप करना है धनिया के पत्तों को। और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने ये ऑरिगेनो लिया है। ओके, और ये मैंने 4-5 गार्लिक के टुकड़ों को बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अलावा हमें थोड़ा सा नमक की ज़रूरत पड़ेगी, और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें आगे क्या करना है। तो ये देखिए, जो मैंने बटर लिया था, सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से, आप देखिए कितना सॉफ्ट है इस तरीके से। ओके, अगर आपने बटर फ्रिज में रखा हुआ है और आप उसको इस तरीके से सॉफ्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा सा बटर मेल्ट कर लीजिए और उसमें बाकी का बटर डाल दीजिए, तो उससे जो है आपका बटर सॉफ्ट हो जाएगा, पूरा मेल्ट नहीं होगा। अब इसमें हमने ये ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो ये मिला देना है, ये गार्लिक के टुकड़े ये मिला देने, कोरिएंडर काट के रखे थे इसको भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैं एक पिंच नमक इसमें डाल रहा हूँ, बस ज़्यादा नमक नहीं डालना है। ओके, और इसको हमें मिला देना है। अभी हमारा पेस्ट रेडी हो गया है, गार्लिक पेस्ट बटर के साथ में, इसको हम अलग रख देंगे। अभी मैंने इसमें चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमने ब्रेड ली थी उसको हमें किस तरीके से कट करना है। ओके, तो ये देखिए ब्रेड है हमारी, इसको एक चाकू हमें लेना है और इसको हमें इस तरीके से तिरछा कट करना है। ओके, और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं मैं कितनी ले रहा हूँ, आपको भी इतनी ही लेनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पूरी ब्रेड कट कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाया था गार्लिक का, राइट, इसको हम देखिए एक पीस ऐसे उठाएंगे और इसमें एक फोक की मदद से इसको अच्छे से लगा देंगे। और देखिए, पूरी जो ब्रेड है ना उसमें सब में ये बटर लगना चाहिए। जो हिस्सा बटर आप नहीं लगाओगे जिस हिस्से में, जब आप इसको सेकोगे तो वो हिस्सा हार्ड हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको ये चीज़ी ब्रेड नहीं खानी है, बहुत से लोग चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सेक सकते हैं। और अगर आपको चीज़ी ब्रेड खानी है, चीज़ी गार्लिक ब्रेड खानी है, तो हम इसमें चीज़ का इस्तेमाल ऊपर से टॉपिंग की तरह करेंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए, मैंने सारी ब्रेड में बटर को अच्छे से ऊपर वाली लेयर पर लगा दिया है, नीचे की तरफ नहीं लगाया है। ओके, और अब हम इसको सेकेंगे। मैंने गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है और अब हमें इसमें कोई भी घी तेल कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल इसमें हमने जो ब्रेड के पीसेस बना के रखे हैं उनको इस तरीके से रख देना है। ओके, आपके पास कोई फ्लैट तवा है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तरीके से जितने पीसेस आते हैं उतने आप इसमें रख दीजिए। देखिए, गैस को मैंने एकदम लो फ्लेम पे रखा है, आपको भी इसको लो फ्लेम पे रखना है। और ये नॉन स्टिक पैन है, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है और या फिर आपका जो पैन है उसका तला थोड़ा पतला है, तो आप इसके नीचे एक तवा और रख सकते हैं जिससे कि ब्रेड आपकी नीचे से जलेगी नहीं। ओके, अब हम यहाँ पर, क्योंकि हमें गार्लिक चीज़ी ब्रेड बनानी है, तो ये जो हमने चीज़ लिया था उसको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डाल देंगे। ओके, हमको सिर्फ एक लिड है उससे इसको ढक देना है और इसको छोड़ देना है 2-3 मिनट के लिए। तो
तो देखिए, अगर आपके पास चीज़ नहीं है और अगर आप चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप चीज़ की टॉपिंग हटा सकते हैं, और उस केस में आप चाहें तो जो हमने पेस्ट बनाया था बटर और ओरिगैनो का, राइट, जिसमें हमने गार्लिक डाले थे, उसको आप दोनों तरफ लगा सकते हैं ब्रेड के। और इसके अलावा अगर आपके पास ब्रेड नहीं है, मतलब बगेट ब्रेड अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल ब्रेड जो आती हैं वो स्क्वायर शेप में, उसके आप दो पीसेस में या तीन पीसेस में कट कर सकते हैं, ट्रायंगल में या लंबाई में, और इसी तरीके से उसके ऊपर आप पेस्ट लगा के बटर का और सेक सकते हैं। देखिए, ये मैं आपको गैस पर बता रहा हूँ गार्लिक ब्रेड बनाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि सबके घरों में गैस तो होती है बट ओवन सबके घरों में नहीं होता है, राइट, इसीलिए मैं आपको गैस पर बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो आप ओवन को अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पर प्री हीट कर दीजिए, और उसमें ये जो ब्रेड आपने बनाई थी इसको रख दीजिए 8 से 10 मिनट के लिए, और आपकी गार्लिक ब्रेड रेडी हो जाएगी। ये देखिए, मुझे 3 मिनट हो चुके हैं इसको इस तरीके से करते हुए, और अब मैंने लिड को हटा दिया है, और ये देखिए ब्रेड हम नीचे से देखेंगे तो ये देखिए ब्राउन हो गई है, इसका मतलब ये अच्छे से सिक चुकी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे एक ये मैंने तवा लिया है, इसको मैं इसके नीचे रख देता हूँ जिससे कि ये जलेगी नहीं, और गैस को हम बंद कर देंगे, लिड को हम 1 मिनट के लिए और रख देंगे जिससे कि ये और अच्छे से मेल्ट हो जाए चीज़, और हमारी गार्लिक ब्रेड एकदम बढ़िया से बन जाए। देखिए, मुझे 2 मिनट हो गए हैं, गैस हमारी बंद थी, अब जितनी स्टीम इसके अंदर थी उसने इसको और ज़्यादा मेल्ट कर दिया है चीज़ को, और गार्लिक ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, मैं लिड हटा रहा हूँ, ये देखिए इसका कलर एकदम बढ़िया तरीके से हमारी गार्लिक ब्रेड सिक चुकी है, नीचे से अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये देखिए नीचे से एकदम ब्राउन है, ये देखिए बिल्कुल भी जली नहीं है। ओके, तो अब हम इसको प्लेट में रखेंगे और इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ फिर इसको हमें सर्व कैसे करना है। ये देखिए, मैंने गार्लिक ब्रेड आपके सामने निकाल कर रखी है, देखने में बहुत ही लाजवाब लग रही है, और इस पर हम थोड़ा सा जो ओरिगैनो है वो छिड़क देंगे, तो आप चाहें तो इसमें थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। देखिए, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, एकदम बढ़िया सिकी है, और ये देखिए ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, राइट, तो इतनी ही सॉफ्ट गार्लिक ब्रेड, और ये देखिए चीज़ी भी है, ये देखिए। ओके, तो इस तरीके की गार्लिक ब्रेड आप अपने घर में बनाइए, आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी, और बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो पिज़्ज़ा अगर आप मार्केट से ऑर्डर करते हैं, गार्लिक ब्रेड अगर आप मार्केट से ऑर्डर करते हैं, सेम फ्लेवर अपने घर में आप इस तरीके से बहुत ही जल्दी 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको मेरी और भी रेसिपीज़ मिलती रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।